हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? ऐसे करते आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो माँ बेटी कहाँ चली है रेडी हो के एकदम? तो अभी नवे जस्ट स्कूल से आई है, मैं उसको नहलाई हूँ और हम लोग निकल रहे हैं मम्मी के घर। तो जी, मैं अपनी मायके जा रही हूँ, मेरी मंझली वाली दीदी आई हुई है मम्मी के यहाँ, तो मैं वही उसी से मिलने जा रही हूँ। थोड़ा सा कुछ देर रहूँगी, उसके बाद शाम को मैं आऊँगी आज। तो उसके आप लोग भी सोचेंगे कितना मायके जाती है, तो जी नहीं, मैं इतना मायके नहीं जाती हूँ अभी। एक्चुअली मायके में मेरा काम चल रहा है घर का, तो इसके वजह से थोड़ा ज़्यादा जाना आना जाना हो रहा है। और कुछ दिन बाद मैं जाऊँगी, तो मैं 2-3 दिन रह के आऊँगी, क्योंकि पूजा वूजा भी है घर में। मैं इससे तो ससुराल में सॉरी मायके में पूजा नहीं होता है, मेरे गुरु जी हैं उनका सत्संग होता है। तो बस हम लोग वही करवाएंगे, करवा के फिर हम लोग कुछ खाना पीना होगा घर पे, बस यही सब होगा। तो वो अभी नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं देखिए मम्मी के घर, तो अभी हम टोटो में बैठ गए हैं। टोटो करके डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट जा सकता है टोटो, लेकिन अकेले हैं बोल के नहीं जाएंगे। यहाँ पर नव्या को मैंने कहा कि नव्या चलो तुम कुछ खा लो, तो वो बोली नहीं मैं नानी के घर जाके ही खाऊंगी, तो उसको नानी के घर जाके ही खाना है। उसके बाद जाते समय मैंने एटीएम में उतर के मैं एटीएम पे कुछ पैसा उठाना था मुझे, तो बस वही मैंने पैसा वैसा उठाया। यहाँ पर नव्या को अंदर जो भैया थे वो उसको परेशान कर दिए निकालने के लिए, तब दरवाज़ा पीटी जा रही कि निकलने के लिए। तो मैं मायके अपने आ चुकी हूँ। ये देखिए नव्या आते ही अपना कपड़ा तक खोल ली है, और यहाँ पे ये रही मेरी दीदी मझली वाली, उसका बेटा ये नहीं है, इसे सात्विक की पहचान, ये है दीदी का बेटा और वो सात्विक की तो आप पहचानते ही हैं। तो यहाँ पे नव्या आई है, तो जस्ट थोड़ा सा पसीना पसीना हो गई थी, तो दीदी बोली थोड़ा सा हवा लगने तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे दीदी बोल रही कि मैं थोड़ी देर पहले पूरे घर एकदम साफ़ सुथरा करके रखी थी कि तुम तो आओगी तो ब्लॉग बनाओगी, लेकिन फिर से वैसा का वैसा हो गया क्योंकि मिस्त्री आए हुए हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है उस रूम में, तो अभी भी कलर के लिए हमें थोड़ा कन्फ्यूजन में, मम्मी यहाँ बर्तन धो रही है, अभी भी हम लोग कलर के लिए कन्फ्यूज़न है कि अभी कलर करवाए कि बाद में करवाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते क्या होता है, जो जैसा जैस भाग्य में वही होगा। पापा कह रहे थे कि अभी नहीं करवाना है, दुर्गा पूजा के पहले पहले कलर करवाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है लाइट का काम करवा लीजिए पहले। फिर तो अभी आज लाइट का काम ऑलमोस्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा बट हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइट का काम कर रहे, जिया जी मिल के कर रहे हैं, कि जिया जी भी थोड़ा हेल्प कर दे रहे। और यहाँ पे देखिए जिया जी कहाँ से, मतलब मिस्त्री से ज़्यादा काम तो मेरे जिया जी ही कर दिए थे, लेकिन मैं जिया जी को बोली नहीं, मुंह पे नहीं फूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये रूम जो है ना नॉर्मल बहुत ठंडा है, क्योंकि ये पूरा मतलब ऊपर छत है ना, छत की वजह से गर्मी नहीं, ऊपर छत जो है हम लोग जो है ना वो बहुत ऊँचा में है, इसके वजह से ना गर्मी नहीं लग रहा है। यहाँ पर मेरा फ़ैन काम में बहुत अच्छे से थे, मैं तो बहुत मज़े में थी, रूम में ही मैं थी सारा दिन। ये लोग जैसे ही काम करके निकले, मैं चटाई उटाई बिछा कर यहीं पर सो गई थी जाके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मैं बैठी हुई हूँ, अभी जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं होगा तब तक तो घर पूरा मैसी होकर पड़ा रहेगा इधर से उधर। फिर जैसे ये लोग काम करके हाफ, मैंने जैसे कहा आज थोड़ा बहुत काम किए, कल फिर काम होगा। तो यहाँ पे जैसे काम करके ये लोग निकले, तो मैं थोड़ा झाड़ू उड़ू करने लगी। झाड़ू उड़ू करके मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे मैंने कहा चटाई बिछाऊँगी, मैं बस बैठूँगी यहाँ पर आके थोड़ा देर थोड़ा खुला में, तो यहाँ पर वही करना है अभी मुझे, सब झाड़ू वाड़ू पर सब सरिया के रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इधर उधर फैला पड़ा हुआ है। और सीढ़ी जो है, सीढ़ी को हटाएंगे, साइकिल सात्विक की यहीं पे घुसा के रख दिया है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी, फिर दीदी लोग बोलने लग रही है हाँ 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 काम तो करती नहीं है कि, लेकिन वीडियो में बहुत आना है। तो दीदी लोग भी बहुत मस्ती कर रही थी मेरे साथ, क्योंकि मैं मायके में आके नॉर्मली काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली एकदम चुपचाप बैठ रहती हूँ अपने पलंग के ऊपर, मम्मी को बोलती हूँ मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खा पी के मैं पलंग में ही रख देती हूँ, प्लेट व्लेट मम्मी आकर हटाती है, मैं कुछ भी नहीं करती अपने मायके में आके। लेकिन इस बार जो है तो थोड़ा बहुत काम था, तो बस मैंने यही काम किया है, झाड़ू लगाया है सिर्फ, उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि मैं आके एकदम लेट गई थी, एकदम बहुत मतलब सुबह उठी थी आज, नवे का स्कूल था सुबह, इसके बाद मैं सुबह जो उठी थी इसके बाद मुझे रेस्ट एकदम भी नहीं मिला था। तो जल्दी जल्दी घर का थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बना उना के सबको खिला पिला के मैं निकल गई थी, निकल आई थी। तो यहाँ गंदा देख रहे कितना गंदा, जब तक ये पूरा पूरी अच्छा से मतलब कुछ दिन यहाँ पे रेगुलर झाड़ू पोछा नहीं होगा तब तक पूरा ऐसे ही रहेगा ये पूरा। तो आस्ते आस्ते सब तो नॉर्मल हो ही जाएगा। तो मेरा मायके का पूरा जो है आपको होम टूर में ज़रूर करवाऊँगी, पूरा कंप्लीट हो जाए दीजिए, पूरा सेटअप हो जाए, उसके बाद कभी आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मेरे पास कमेंट आया बहुत सारा कि हाँ चाहिए, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी अपने मायके का होम टूर। तो
ज़्यादा पैसा कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल, अभी तो काम स्टार्ट ही हुई है, आज तक पूरा कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। या मेरी दीदी यहाँ बोल रही है कि देखो, दिखा रही है कि काम कर रही है तो बहुत बदमाश है इन लोग, हम कुछ परेशान, हम काम करते हैं तो इन लोग सोचते हैं काम कर रही है शुक्ला, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पर मम्मी भी पसीना पसीना हो गई है पूरा, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं सकती अभी इतना काम करने, कुछ भी करने इतना। आज मम्मी का सारा दिन इतना मतलब दौड़ धूप में गया, पानी भरना, पूरा पानी पाइप लगा के धोना, इधर से उधर पूरा घर। तो इसके वजह से ना मम्मी को रात को फीवर हो गया था, फ़ोन की मम्मी तो बोल रही है ना फिर फीवर हो गया है, तो इसके वजह से थोड़ा सा मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है काम काज। फिर तो अच्छा है कि मेरी मझली भाई दीदी आई है बोल के, थोड़ा बहुत दीदी भी संभाल ले रही है, बड़ी भाई दीदी भी यहीं पर रही थी कल। मुझे भी रुकने का मन था लेकिन नव्या का स्कूल था कल, नव्या का स्कूल में प्रोग्राम था, विवेकानंद का जन्मदिन है तो उनका उन्हीं के लिए कुछ समथिंग था फेस्टिवल, मुझे भी नहीं पता क्या है, जब तक स्कूल से रिटर्न आएगी तब मुझे पता चलेगा क्या है नहीं है। तो येलो ड्रेस पहन के बुलाया गया था, तो मैं बोली कि नहीं नॉर्मली अगर स्कूल होता तो फिर भी मैं एबसेंट कर देती, लेकिन कोई प्रोग्राम आता है स्कूल में तो मैं उसको एबसेंट नहीं करवाती हूँ, कि नहीं ये सब अटेंड करना भी ज़रूरी है, उसको भी तो पता चलना चाहिए ना। तो इसके बाद फिर मैंने दीदी उसको मैंने कहा कि जरा उठाओ तुम, अब मैं इधर पोछा लगाने लगी, तो पोछा जैसे ही मैं लगा रही तो मुझे लग रहा है कि मैं पोछारा कर रही, तो मम्मी को मैंने कहा कि मैं इससे नहीं करूँगी, मुझे धोना है, आप पाइप दीजिए, पाइप में लगा के मैं पूरा इसको धो ही देती हूँ अच्छा से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था ना, पूछना जो है वो पूरा बेकार हो गया, उसको फेंकना है। अब वो देखिए देख के लग रहा है कि पोछारा कर रही हूँ मैं, तो देखिए मेरा अवस्था सिर्फ थोड़ा सा एक रूम झाड़ू पोछा करती, मेरा हालत ख़राब हो गया है। यहाँ पे मैं आके चेंज नहीं की, मैं लेके आई थी बट मैं चेंज नहीं की, क्योंकि मुझे थोड़ा निकलना भी है दीदी के साथ, दीदी जाएगी फ़ैन खरीदने के लिए मम्मी के लोग के घर के लिए, तो इस रूम के लिए नॉर्मली। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लोग का क्या हालत है, बच्चा लोग सबका सब एकदम नंग नरंग एकदम बैठा हुआ, क्योंकि इस रूम में पंखा नहीं है, और मेरी बेटी जो है उसको मैं बोल रही हूँ कपड़ा पहनना, तो जो है तो सात्विकी और अबरू नहीं पहना तो वो भी नहीं पहनेगी। अब मैं कैसे समझाऊँ कि तुम लड़की है तुमको पहनना पड़ेगा कपड़ा, तो कोई बात नहीं अभी तो बच्ची है तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद यहाँ आया दीदी लोग, सब कुछ ट्रंक ट्रंक वंक जितना ट्रंक था वो सब कुछ ऊपर उठा रही थी, कि जैसे उस रूम जो पहले का रूम था उस रूम को थोड़ा खाली करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पलंग के नीचे बहुत सामान था, तो इसकी वजह से वो थोड़ा खाली खाली करने की कोशिश कर रही थी। तो आधा जितना हो सके उतना दीदी लोग कर लिए दोनों, तब तक मैं सो रही थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब आवाज़ आया ढाम ढूम करके तब मैं उठी हूँ सो के, तो यहाँ पर मैं देख रही कि वाह ये लोग काम कर रही है, तो मैं नीचे से बैठ बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रही थी, ऐसे करना वैसे करना ये लोग कर रही थी तो मैंने जैसे कहा कि मेरे घर में मायके में जब मैं जाती हूँ ना, तो ये तीनों जब मतलब मम्मी दीदी दोनों रहती तब मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग ही कर लेती तो क्या ही करूँ, यहाँ तक कि मैं नव्या को भी नहीं संभालती हूँ, यही लोग संभालती हैं नव्या को। तो जैसे मैंने कहा था कि मुझे निकलना थोड़ा सा, तो मैं यार दीदी यहाँ जा रही हूँ मार्केट, तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं नहेटी, वहाँ से अपना फ़ैन खरीदेंगे। लेकिन क्या था कि मुझे तो पता नहीं था कि नहीं आज नहेटी में कुछ प्रोग्राम है, तो मैं जैसे ही गई तो वहाँ देखी कि इतना भीड़ नहेटी में, मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ था, नॉर्मली इतना भीड़ नहीं रहता मार्केट में। तो यहाँ पे देखे कि मैंने देखा कि दूर में एक पंडाल बना हुआ पंडाल, तो पंडाल में मैंने देखा कि बोड़ो माँ का अन्नकूट हुआ था मंडे को, तो उसका प्रसाद वितरण हो रहा था आज। तो मैंने देखा कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग अच्छे दिन ही आए हैं, लेकिन लाइन इतना था ना, मैं आपको दिखाऊंगी देखिए कल लाइन कितना था, उतना लाइन लग के अगर मैं प्रसाद लेने जाती ना तो रात हो जाता, इसलिए मैं प्रसाद नहीं ली। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, प्रसाद तो मिल ही जाएगा मुझे, मुझे पता है, तो वो बाद में हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए भीड़ देखिए कितना सारा भीड़ है यहाँ पे। तो इससे पहले जब हम लोग आए थे, मैंने जो ब्लॉग आपने देखा होगा माँ काली का, मैं आई थी यहाँ पे, ये जो लाइन है ना ये सिर्फ कूपन का लाइन है, ये जो कूपन काट के जो लाइन लगाया जाता है ना वो लाइन है ये। तो हमें यहाँ पे लाइन में लग गया, दीदी को मैंने कहा कि जब पूछ के आओ कि ये कौन सा लाइन है, तो दीदी यहाँ पे पूछने जा रही है, तो मैंने कहा कि पहले पूछ के आप एक लाइन लग जाऊँगी बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि मैं जैसे कि सबके हाथ में कूपन है, तो इसलिए मैंने दीदी को कहा कि दीदी तुम जाओ आगे पूछ के आओ, क्योंकि बेकार में यहाँ लाइन लगे रहूँगी और देखेंगे यहाँ कुछ काम ही नहीं है, फिर हम लोग उधर जाना पड़ेगा। यहाँ पुलिस बहुत सारा पुलिस फोर्स भी दिया हुआ था। अब मुझे थोड़ा मैं सोच भी रही थी कि मैं वीडियो करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि बोड़ा माँ का नॉर्मली वीडियो फ़ोटो उठाना मना रहता है, तो मैं कन्फ्यूज थी थोड़ा सा कि मुझे वीडियो लेना है कि नहीं लेना है। तो फिर वहाँ से दीदी पूछ के आई तो पता चला कि नहीं ये लाइन जो है कूपन का लाइन है, आगे है लाइन वो लाइन भोग का लाइन है, मतलब कूपन से भी आपको मिलेगा, लेकिन कूपन कहाँ कट रहा नहीं कट रहा है हम लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मुझे घर भी जाना है, रिटर्न भी जाना है मुझे घर, तो मैं उतना लाइन लगा के अभी उतना नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए मैंने प्रणाम किया भगवान को कि कोई बात नहीं है, आज किस्मत में रहा तो मुझे प्रसाद मिल ही जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए भीड़ जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए लाइन, ये जो लाइन है ये भोग का लाइन है, तो ये लाइन लग के भोग लेना पॉसिबल नहीं था, बहुत लाइन है। नहीं भी तो 1000 आदमी तो होंगे ही होंगे, इतना लाइन था। मैं तो आधा में लाइन का ही फोटो वीडियो ले पाई हूँ, इतना लाइन था। यहाँ देखिए दुकान में जो गई ना फैन लेने, वहाँ भी मतलब भीड़, इतना गर्मी लग रही थी इतना कि हम लोग जल्दी जल्दी फ़ैन लिए फिर घर के लिए निकल लिए। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। कल का क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल भी ज़रूर मिलूंगी मैं आपसे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरा चैनल को। तो बाय बाय।